हेलो गाइज, नमस्कार। वेलकम टू डेली मॉर्निंग करंट अफेयर्स क्लास फ्रॉम ऑनलाइन ज्ञान भाई आनंद। तो फ्रेंड्स, आज है 31 मार्च 2020। 31 मार्च 2020 के जितने भी इम्पोर्टेंट आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, अलग अलग सोर्सों से हम आपके लिए चुन चुन कर लाए हैं फ्रेंड्स। तो वीडियो में बने रहें, वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाली है फ्रेंड्स। जो आगामी भर्तियाँ हैं उसमें आपके करंट के क्वेश्चन इन्हीं सीरीज से आपके बनेंगे। तो लेक्चर हम शुरू करें इससे पहले हम आपको बता दें फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो रोज़ सुबह आप हमारे साथ करंट अफेयर्स की क्लास में ज़रूर मिलिएगा। उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है फ्रेंड्स, और बगल में आपको बेल आइकन ऑन जरूर करना है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज की 31 मार्च की सीरीज को शुरू करें। आज का कोटेशन हम डिस्कस कर लेते हैं। आज का हमारा कोटेशन है, यू एफर्ट टूडे मेक यूर टूमारो सो मेक यूर एवरी टूडे काउंट। तो फ्रेंड्स, यह जो युक्ति है क्या कहती है मैं हिंदी में, जो फ्रेंड्स आज यदि आप मेहनत करते हो, जैसा कार्य आज के दिन आप करते हो वही कार्य आपके भविष्य को डिसाइड करेगा। तो आपको फ्रेंड्स अपना वर्तमान सुधारना है, भविष्य आपका खुद म खुद सुधर जाएगा। तो इस तरह से आपको अपना कार्य करना है। तो फ्रेंड्स, यदि आपको इस पूरे लेक्चर की पीडीएफ प्राप्त करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में से प्राप्त कर सकते हैं, वहाँ हमने आपके लिए सुविधा के लिए लिंक प्रोवाइड कर रखी है। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, आपको हमारे सोशल मीडिया लिंक जैसे व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, इंस्टाग्राम ग्रुप, ये जो ग्रुप हैं हमारे, ये सारे के सारे एजुकेशनल ग्रुप हैं, इनसे भी जरूर ज्वाइन होकर हमें फॉलो करिएगा, नीचे लिंक हैं सारी। आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न, हाल ही में किसके द्वारा कोरोना सीरीज किताबों की शुरुआत की गई। तो इन जो आपको प्रश्नों के उत्तर दिख रहे हैं, इन सही आंसर, इन में से आपको सही आंसर को चूज करना है जहां पर अभी फ्रेंड्स कोरोना सीरीज किताबों की शुरुआत की गई, जिसके द्वारा, तो नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा फ्रेंड्स अभी कोरोना सीरीज किताबों की शुरुआत की गई। फ्रेंड्स, आपको विदित होगा हमारे पूरे भारत देश में ही नहीं, पूरे विश्व स्तर पर अभी कोरोना महामारी का दुष्प्रभाव देखा जा रहा है। तो इसी बीच फ्रेंड्स, हमारे भारत देश में भी 21 डेज का लॉकडाउन है। 21 डेज में फ्रेंड्स, हमारे भारत सरकार के द्वारा हम भारत के वासियों को एक आग्रह किया गया है कि 21 दिन हमें अपने घर में ही रहना है। अब घर में रहें तो क्या करें। तो इसी बीच फ्रेंड्स, हमें अलग अलग जो सोसाइटी हैं उनके द्वारा अलग अलग पहल की जा रही है। इसी बीच नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा अच्छी अच्छी किताबों को पढ़ने के लिए अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हम लोगों के लिए 21 दिन के लिए हम मदद की हुई है, ताकि हम अच्छी अच्छी किताबों को पढ़ें, कोरोना से संबंधित जानकारियां इकट्ठा करें और इसके प्रति जागरूकता बढ़ाएं। इसके लिए नेशनल बुक ट्रस्ट ने यह पहल की हुई है ताकि आप ऑनलाइन तरीके से इन अच्छी अच्छी किताबों को ज़रूर पढ़ सकते हैं फ्रेंड। उस ये नेशनल बुक ट्रस्ट में अभी हमें अच्छी अच्छी किताबें, जैसे बात करें महात्मा गांधी जी की किताब है, रविंद्रनाथ टैगोर जी की किताब है, और भी अच्छे अच्छे जो महान व्यक्तित्व वाले लोग थे उनकी किताबें हमें यहाँ पर अभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मिल रही हैं। तो आप भी ज़रूर फॉलो करें फ्रेंड नेशनल बुक ट्रस्ट को, और जाइएगा साइट पर, अच्छी अच्छी बुक्स हैं वहाँ पर अभी। ऑप्शन नंबर गो आपका सही आंसर है। दूसरा प्रश्न, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 611 रुपये मनरेगा लेबरों के खाते में डाले हैं। तो इन जो आपके राज्य दिख रहे हैं, भारतीय राज्य हैं सारे, इन राज्यों में से आपको उस सही राज्य को चूज करना है जिस राज्य के मुख्यमंत्री ने अभी हाल ही में 611 करोड़ रुपए मनरेगा लेबरों के खाते में डाले हैं। ऑप्शन नंबर ख आपका सही आंसर है। तो उत्तर प्रदेश सरकार में योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उनके द्वारा राज्य के जो मनरेगा लेबर हैं उनके खाते में प्रति लेबर 1000 रुपये ट्रांसफ़र किए गए हैं फ्रेंड। टोटल जो ट्रांसफ़र किए गए हैं 611 करोड़ रुपये पूरे मनरेगा लेबरों के खाते में ट्रांसफ़र किए गए हैं। तो प्रति जो एक लेबर को 1000 रुपये दिए गए हैं फ्रेंड्स इसके द्वारा, ताकि आपको पता होगा फ्रेंड्स हमारे अभी भारत देश में लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है। तो गरीब तबके पे लोग हैं फ्रेंड्स, जो दिन दिहाड़ी वाले मजदूर हैं, जो दिन अपना
कार्य कर कर रात को रोटी के लिए पैसा जुटाते हैं, उनके लिए योगी सरकार की यह बहुत ही अच्छी पहल है ताकि उनको फ्रेंड्स इस बीच वो भूखे ना रहें, अपनी दिनचर्या जो है सुचारू रूप से चला पाएँ। तो हाल ही में किसके द्वारा किया गया है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ऑप्शन वर्ग आपका ख आपका सही आंसर। तीसरा प्रश्न, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने छात्रों के लिए होम लर्निंग की सुविधा की हुई है। तो इन जो आपके राज्य दिख रहे हैं भारतीय राज्य, इन राज्यों में से आपको उस सही भारतीय राज्य का नाम बताना है फ्रेंड्स जहां पर अभी होम लर्निंग की सुविधा की गई है। ऑप्शन नंबर ख आपका सही आंसर है। फ्रेंड्स अभी आपको विदित होगा पूरा भारत लॉकडाउन है, इसी बीच हमारे छात्र जो गण हैं वो भी घरों में ही लॉकडाउन है। इसी बीच जो है फ्रेंड्स हमारे गुजरात एजुकेशनल डिपार्टमेंट ने छात्रों के हित के लिए होम लर्निंग की सुविधा प्रदान की गई है ताकि जो फ्रेंड्स हमारा छात्रगण है गुजरात का वह घर पर ही रहकर पढ़ाई कर सके, इसीलिए होम लर्निंग की सुविधा गुजरात सरकार के एजुकेशनल डिपार्टमेंट के द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर ख आपका सही आंसर है। चौथा प्रश्न फ्रेंड्स, हाल ही में किसके द्वारा टेली कंसल्टेंसी सेंटर लॉन्च किया गया। इन जो आपके महान जो हमारे भारत सरकार में अभी क्या है ये मंत्रीगण हैं सांसद हैं, इनमें से आपको उस सही मंत्री का नाम चूज करना है जिसने अभी टेली कंसल्टेंसी सेंटर की शुरुआत की हुई है। ऑप्शन नंबर गो आपका सही आंसर है फ्रेंड्स। तो हर्षवर्धन जी ने फ्रेंड्स अभी टेली कंसल्टेंसी सेंटर की स्थापना की हुई है। हर्षवर्धन जी हमारे केंद्र सरकार में क्या हैं, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर हैं, तो इनके द्वारा भी टेली कंसल्टेंसी सेंटर की शुरुआत की गई। ऑप्शन नंबर गो आपका सही आंसर है। छठा पाँचवा प्रश्न, हाल ही में किसके सहयोग से महाराष्ट्र में कोविड 19 ऐप विकसित किया है। तो फ्रेंड्स अभी आपको इन जो कंपनियां हैं इन सही कंपनी में से आपको उस सही कंपनी को चूज करना है जिसके सहयोग से हमारे महाराष्ट्र सरकार ने कोविड 19 ऐप विकसित किया है। तो इनमें से जो सही आंसर फ्रेंड्स आपका है HLL लाइफ केयर। तो महाराष्ट्र में नागपुर नगर निगम ने HLL लाइफ केयर के सहयोग से कोविड 19 ऐप विकसित किया है। कोविड 19 जो है फ्रेंड्स आपको विदित होगा कोरोना वायरस का ही नाम है फ्रेंड्स। इस ऐप के ज़रिए क्या होगा, जो खांसी बुखार जो सांस लेने में कठिनाई होती है ये पहचान किसके हैं, कोरोना वायरस के हैं। यदि आपको खांसी होती है बुखार आता है सांस लेने में आपको कठिनाई होती है तो जाहिर सी बात है फ्रेंड्स आपको नज़दीकी जो स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ ज़रूर जाना है और अपना स्वास्थ्य चेकअप कराना है। तो इसी के लिए इस ऐप के द्वारा हम फ्रेंड्स अपना लक्षण पता कर सकते हैं और अपना जो स्वास्थ्य केंद्र नज़दीकी उनका पता लगा सकते हैं। तो यह पहल किसकी है, महाराष्ट्र सरकार की है। यह किसके साथ है, HLL लाइफ केयर के साथ। छठा प्रश्न, हाल ही में कोरोना वायरस को हराने के लिए निम्न में से किसने ऑपरेशन नमस्ते की शुरुआत की हुई है। तो फ्रेंड्स यह बहुत ही आपका अच्छा प्रश्न बन सकता है आगामी परीक्षाओं के लिए। हाल ही में कोरोना वायरस को हराने के लिए ऑपरेशन नमस्ते की शुरुआत हमारी इंडियन आर्मी के द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर को आपका सही आंसर है। तो भारतीय सेना ने फ्रेंड्स ऑपरेशन नमस्ते के द्वारा जो सेना हमारा भारत देश कोरोना वायरस से लड़ रहा है इस जंग में फ्रेंड्स सेना ने भी अपना योगदान दिया। इस बीच उनके द्वारा सेना के द्वारा कुल 8 संगरोधक केंद्र की स्थापना की गई और सेना के द्वारा कोरोना वायरस की जानकारी के लिए एक हेल्पलाइन भी विकसित की गई। तो इसी जंग में भारतीय सेना ने भी हमारा भारत सरकार का महत्वपूर्ण योगदान दिया फ्रेंड्स। तो ऑपरेशन नमस्ते की शुरुआत भारतीय सेना के द्वारा की गई। छठा का आपका क राइट आंसर है। सातवां प्रश्न, हाल ही में एक आंकड़े के अनुसार वित्त वर्ष 2021 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर घट जाएगी। एक आंकड़ा भी हुआ है फ्रेंड्स आपको विदित होगा अभी भारत में कोरोना वायरस तो है का कहर बरसा है, महामारी चली हुई, इसके चलते हमारे जो स्थिति पूरे भारत सरकार की है वह नाजुक है क्योंकि पूरा भारत बंद है। तो इसी बीच फ्रेंड्स जो हमारी GDP होती है
उसका जो 2021 का आंकड़ा बताया जा रहा है अभी एक आंकड़े के अनुसार, वह घट जाएगा फ्रेंड्स। वह कितना हो जाएगा घटकर, आपको इन ऑप्शन में से बताना है, वह घटकर 3.5% हो जाएगा। तो यह जो रिपोर्ट है CRISIC के द्वारा निकाली गई है, 2021 में जो भारत की GDP ग्रोथ है वह एक अनुमान के अनुसार 3.5% घट जाएगी। ऑप्शन नंबर ग आपका सही आंसर है। आठवां प्रश्न, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पर्यटक सम्मेलन में किसको पर्यटन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? तो इन जो आपको पुरस्कारकर्ता है, इनमें से आपको सही पुरस्कारकर्ता का नाम बताना है जिसे हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पर्यटन सम्मेलन में पर्यटन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। इनमें से आपका सही आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ख, ग, जोया अख्तर। तो जोया अख्तर जी को फ्रेंड्स आईआईएफटीसी ने पर्यटन जो पुरस्कार है 2020 से सम्मानित किया गया। फ्रेंड्स ये जोया अख्तर जी हैं, इनके द्वारा अपने सिनेमा के माध्यम से विश्व पर्यटन को उत्कृष्ट योगदान देने के लिए और विश्व पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। तो जोया अख्तर क्या है कि फिल्म निर्देशक हैं फ्रेंड्स, इनको यह श्रेय कहा दिया जाता है कि इन्हें अपने सिनेमा के जरिए विश्व पर्यटन को बढ़ावा दिया है। ऑप्शन नंबर को आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स। नौवां प्रश्न, अब नौवां प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में सैन्य संचार के लिए उन्नत अति उच्च आवृत्ति उपग्रह कहाँ लॉन्च किया हुआ है? फ्रेंड्स अभी सैन्य संचार के लिए यानी सेना के संचार के लिए उन्नत अति उच्च आवृत्ति उपग्रह कहाँ पर लॉन्च किया हुआ है? तो आपको इन ऑप्शन में से आपको बताना है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो संयुक्त राज्य के द्वारा, ऑप्शन नंबर ख आपका सही आंसर है। तो यूनाइटेड स्टेट्स स्पेस फोर्स ने फ्रेंड्स अपने सैन्य संचार के लिए एक उन्नत अति उच्च आवृत्ति उपग्रह AEHF-Z लॉन्च किया हुआ है। उपग्रह के परीक्षण के बाद फ्रेंड्स संयुक्त राज्य अमेरिका का यह पहला राष्ट्रीय सुरक्षा मिशन है फ्रेंड्स। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा सैन्य संचार के उन्नत करने के लिए अति उच्च आवृत्ति उपग्रह लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर ख आपका सही आंसर है। दसवां प्रश्न, हाल ही में कहां पर 1000 बिस्तर क्षमता वाला देश का सबसे बड़ा कोरोना वायरस अस्पताल की स्थापना की गई है? तो किसके द्वारा? तो इसका सही आंसर आपको इन्हीं ऑप्शन में से चूज करना है फ्रेंड्स। अभी ओडिशा के भुवनेश्वर में ओडिशा सरकार ने फ्रेंड्स अभी देश में सबसे बड़ा कोरोना वायरस अस्पताल की स्थापना की हुई है। लगभग फ्रेंड्स इस अस्पताल में 1000 बेड हैं, यानी 1000 मरीजों का इलाज यहां पर हो सकता है जो कोरोना वायरस से पीड़ित हैं फ्रेंड्स। तो ओडिशा के राजधानी भुवनेश्वर में इस अस्पताल की स्थापना की गई है ओडिशा सरकार के द्वारा। 10 का आपका ख सही आंसर बनता है। 11वां प्रश्न, हाल ही में किसे यस बैंक के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति किया गया? तो इन जो आपके व्यक्ति हैं फ्रेंड, इनमें से आपको उस सही व्यक्ति का नाम चूज करना है जिसे अभी यस बैंक ने अपना कार्यकारी अध्यक्ष चुना है। सुनील मेहता आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ग। तो सुनील मेहता जी अभी यस बैंक के नए कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। ऑप्शन नंबर ग आपका सही है। 12वां प्रश्न दोस्तों, हाल ही में बाबर 2 मिसाइल लॉन्च होने के 2 मिनट के अंदर दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, मिसाइल किस देश की है? तो फ्रेंड्स आपको इन जो देश हैं, इन देशों में से उस सही देश का नाम चूज करना है जिसका अभी हाल ही में बाबर 2 मिसाइल लॉन्च तो किया था उनने पर विफल हो गया। तो इसमें से सही आंसर है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान ने फ्रेंड्स हाल ही में बाबर 2 मिसाइल लॉन्च किया गया था, बट फ्रेंड्स वह जमीनी स्तर से 14 किलोमीटर दूरी तय कर ही पृथ्वी के एक हिस्से में टकरा गया था, जमीन के एक हिस्से में टकरा गया था और वहीं पर विफल हो गया था। तो बाबर 2 मिसाइल जो है फ्रेंड्स किसकी है? पाकिस्तान की है, जिस जो अभी दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। ऑप्शन नंबर ग आपका सही आंसर है। 13वां प्रश्न, हाल ही में स्वघोषणा COVID-19 नागालैंड ऐप मार्च 2020 में कहाँ लॉन्च किया गया था? तो हाल ही में आपका स्वघोषणा COVID-19 जो नागालैंड ऐप है फ्रेंड्स वह कहाँ पर जो है लॉन्च किया गया था? इसमें से सही आंसर है फ्रेंड्स
कोहिमा में, ऑप्शन नंबर ख आपका सही आंसर है। तो कोहिमा के सीएम फ्रेंड्स रिपनेजी ने सेल्फ जो डिक्लेयर्ड COVID-19 है वह 6 मार्च 2020 को नागालैंड में इसकी शुरुआत की गई। 6 मार्च 2020 के बाद जो भी नागालैंड में प्रवेश करेगा उसके पास COVID-19 नागालैंड ऐप होना ज़रूरी है ताकि फ्रेंड इस ऐप के जरिए उसको ट्रैक किया जा सके। ऑप्शन नंबर गो आपका सही आंसर है। खो चौदवां प्रश्न, हाल ही में कितने बैंकों का विलय हुआ है? तो इन ऑप्शन में से आप फ्रेंड्स आपको सही आंसर को बताना है जहां पर अभी हमारे भारतीय नेशनल बैंक जो है हमारे नेशनलाइज बैंक हैं उनका विलय हुआ है। तो 10 नेशनलाइज बैंकों का 1 अप्रैल 2020 को विलय होना है। जानने का प्रयास करते हैं फ्रेंड कौन कौन से बैंक हैं। तो ओरिएंटल बैंक ऑफ जो कॉमर्स है फ्रेंड्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का PNB में होना है, कैनरा का सिंडिकेट में होना है और भारतीय बैंक का फ्रेंड्स यूनियन बैंक में होना है और आंध्रा और कॉरपोरेशन का भी यूनियन बैंक में होना है। तो चौथ का आपका 10 बैंकों का जो है हाल ही में विलय होना है। तो फ्रेंड्स आज हमने आपको महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनाए 31 मार्च के। आपको हमारे यह करंट अफेयर्स की सीरीज कैसी लगी हमें ज़रूर लाइक कर शेयर कर कमेंट कर ज़रूर बताएं। अच्छी लगे तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गॉड ब्लेस यू, हैव ए नाइस डे।